इज सेकंड राउंड बैंकॉक थाईलैंड टूर जो होने जा रहा है, इसके अंदर मैं एक एक जितने भी जो क्वालिफायर हुए हैं उसका नाम आप सभी लोगों के बीच में रखूंगा, जिसमें सेकंड राउंड के अंदर आईडी नंबर है 23 अशोक पुरानी सर, उसके बाद आईडी नंबर है 682 खंजन भाई पटेल, आईडी नंबर 4949 जादव भाई बांबनिया, इसके बाद मेरा आईडी नंबर है 736736 नंबर शैलेश भट्ट, इसके बाद में आईडी नंबर 766 तस्लीम मैम, छठा नंबर है 682 682 नंबर अंजन भाई पटेल, इसके बाद में आईडी नंबर है 4469 4469 अल्पेश वघासिया, इसके बाद का जो आईडी नंबर है वो है 24375 24375 अक्षय भाई राखोलिया, इसके बाद का आईडी नंबर है 24472 24472 जगदीश भाई राखोलिया, इसके बाद का आईडी नंबर है 53124 53124 चंद्रेश कोठारी, इसके बाद का आईडी नंबर है 47940 रमेश सादपुरी 47940, इसके बाद का जो आईडी नंबर है वो है 2861 2861 परेश भाई टिम्बड़िया, इसके बाद का है 53695 53695 रमेश पटेल, इसके बाद का आईडी नंबर है 53708 पार्थ पटेल 53708, इसके बाद का जो आईडी नंबर है 6868 आस्था परमार, इसके बाद का आईडी नंबर है 4106 ध्रुवी परमार 4106 नंबर है ध्रुवी परमार, इसके बाद का आईडी नंबर है 11310 बालकृष्ण रेड्डी 11310 बालकृष्ण रेड्डी 55148 अबुल रेड्डी 55148 अबुल रेड्डी, इसके बाद का आईडी नंबर है 1587 अजय शाह 1587 नंबर है अजय शाह का, इसके बाद का जो आईडी नंबर है 1633 अखिलेश मिश्रा 1633 नंबर अखिलेश मिश्रा, इसके बाद का आईडी नंबर है 2510 अनिल कुमार 2510 अनिल कुमार, इसके बाद का जो आईडी नंबर है 2527 बंटीलाल 2527, इसके बाद का जो आईडी नंबर है 1069 मानसी सोरठिया 1069 मानसी सोरठिया, इसके बाद का जो आईडी नंबर है 52732 नंबर है मिनेश भूषा 52732 मिनेश भूषा, इसके बाद का जो आईडी नंबर है 1815 संध्या 1815 नंबर है संध्या, इसके बाद का है 5162 रामशंकर 5162 नंबर है रामशंकर, इसके बाद का जो आईडी नंबर है 1323
पारुल सोनी 1323 नंबर है, पारुल सोनी। इसके बाद का जो आईडी नंबर है 41373 भावना कामली, 41373 भावना कामली। इसके बाद का जो आईडी नंबर है 48554 हीना पटेल, 48554 हीना पटेल। इसके बाद का आईडी नंबर है 9806 मधुबाई किकानी, 9806 नंबर है मधुबाई किकानी। इसके बाद का आईडी नंबर है 1742 संजना कपूर, 1742 नंबर है संजना कपूर। और इसके बाद का आईडी नंबर है 924 अखिलेश ठाकुर, 924 नंबर है अखिलेश ठाकुर। अब इसके बाद जिन्होंने जो 500 डायरेक्ट स्पॉन्सर किए थे, अब उसका नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो जिसमें आईडी नंबर है 73152, 73152 नंबर है विजय किशोर भाई पटेल, 73152 नंबर है विजय किशोर भाई पटेल। इसके बाद का आईडी नंबर है 67878, 67878 नंबर है छाया आचार्य। इसके बाद का आईडी नंबर है 81218, 81218 नंबर है केबी टिम्बड़िया। इसके बाद का आईडी नंबर है 82050, 82050 पीबी टिम्बड़िया। इसके बाद का आईडी नंबर है 83976 नंबर है प्रीतेश मेघाणी, 83976 प्रीतेश मेघाणी। इसके बाद का जो आईडी नंबर है वो है 63781 कोलड़िया राजेश, 63781 नंबर है कोलड़िया राजेश। इसके बाद का आईडी नंबर है 12512 मनर्षी चुड़ासमा, 12512 मनर्षी चुड़ासमा। और इसके बाद का आईडी नंबर है 86240 हार्दिक पटेल, 86240 नंबर है हार्दिक पटेल। इसके बाद का आईडी नंबर है 1814 शैलेश सतानी, 1814 नंबर है शैलेश सतानी। इसके बाद का आईडी नंबर है 81802 ब्रिजेश वर्षाणी, 81802 नंबर है ब्रिजेश वर्षाणी। इसके बाद का आईडी नंबर है 9074 ओमवीर सिंह सर, 9074 आईडी नंबर है ओमवीर सिंह सर। इसके बाद का आईडी नंबर है 89728 जिग्नेश पटेल, 89728 नंबर है जिग्नेश पटेल। इसके बाद का आईडी नंबर है 16449 गोपेश पटेल, 16449 गोपेश पटेल। इसके बाद का आईडी नंबर है 60921 अंकुर भाई, 60921 नंबर है अंकुर भाई। इसके बाद का है 94045 पिनक मेघाणी, 94045 पिनक मेघाणी। इसके बाद का जो नंबर है 68665 काजल मैम, 68665 नंबर है काजल मैम। उसके बाद का जो आईडी नंबर है 98796 शिल्पा मैम सोरठिया, 98796 नंबर है शिल्पा मैम सोरठिया। इसके बाद का आईडी नंबर है 75034 नंबर दिलीप सोरठिया, 75034 दिलीप सोरठिया।
इसके बाद का आईडी नंबर है 54704 नंबर रिंकू सैनी, 54704 रिंकू सैनी, और उसके बाद का आईडी नंबर है 59462 ओम प्रकाश यादव, 59462 ओम प्रकाश यादव। अब सी कैटेगरी जो हमारा लकी ड्रॉ हुआ था उसके अंदर तीन कैटेगरी के अंदर जो विनर बने थे उसमें आईडी नंबर है 4989 आदित्य कपूर, 4989 नंबर है आदित्य कपूर। इसके बाद आईडी नंबर है 9074 ओमवीर सिंह सर, 9074 आईडी नंबर है ओमवीर सिंह सर। और तीसरी कैटेगरी में आईडी नंबर है 5418 रविकांत सर, 5418 रविकांत सर। तो दोस्तों मैंने आपको जो नाम बताए, अब ये जो हमारा सेकंड बैंकॉक थाईलैंड टूर ये आने वाले अक्टूबर मतलब यही इस मंथ से लगभग ये 25 तारीख पकड़ते हैं, शायद 25 तारीख को ही ये सेकंड राउंड हमारा जाने वाला है। तो अभी आप जितने भी लोग जो लोग सेकंड राउंड में आना चाहते हैं तो वो अपने जो एक्टिव अप्लाई उसको आप अपना पासपोर्ट का आगे और पीछे का कॉपी है वो कॉपी आप सेंड कर दीजिए आप अपने एक्टिव अप्लाई को और वो पुरानी सर को भेज दो। क्लियर। ये पासपोर्ट आपको आज 4 तारीख है, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आपको ये 8 तारीख तक आपको ये पासपोर्ट 8 या 10 तारीख तक आपको पासपोर्ट की कॉपी फ्रंट और बैक साइड मतलब जहां पर आपका नाम लिखा है वो आगे का फोटो और बैक साइड जो वहां पर आपका एड्रेस और सब कुछ रहता है उसका फोटो आपको क्लियर फोटो आपको सेंड करने हैं। साथ में आपके जो एक्टिव अप्लाइन है वो आपको एक फॉर्म भेजेंगे जिसके अंदर आपको आपका आईडी नंबर आपका जो पासपोर्ट में नाम है वो नाम तीन कौन से वो एयरपोर्ट है आपके नजदीकी एयरपोर्ट उसका भी आपको तीनों एयरपोर्ट का नाम लिखना है। साथ में आप कौन से राज्य से हैं एग्जाम्पल कि मैं गुजरात से हूं तो वहां पर स्टेट गुजरात। इसके बाद आपको आप वेजिटेरियन फूड लेना चाहते हो या नॉन वेजिटेरियन फूड लेना चाहते हो तो यहां पर आपको वेजिटेरियन लेना चाहते हो तो वेजिटेरियन लिखना है। अगर किसी को भी समझ में नहीं आता है तो हम आखिर में क्वेश्चन आंसर लेंगे लेकिन अभी आप लिखते जाइए नोट डाउन कीजिए कि क्या क्या करना है। इसके बाद में अगर देखिए सबसे पहले तो हमारे इस सिस्टम के प्रमोटर उमेश कुमार सर के लिए मैं तहे दिल से एक बार क्लैपिंग करना चाहूंगा। दोस्तों जितने भी कोर्स है वो उमेश कुमार सर के लिए एक बार क्लैपिंग करें। क्योंकि दोस्तों जब ये टूर का ऐलान हुआ था तब 3 nights 4 days रखा था लेकिन
हमारे उमेश सर ने एक नाइट एक दिन पूरा बढ़ा दिया। जो हम पहले राउंड में गए थे, हम सब लोग गए थे, तो उसके अंदर भी 4 नाइट 5 डेज कर दिए थे। तो एक दिन तो हमें ज्यादा दे रहे हैं। आप सभी को पता नहीं है कि दोस्तों एक दिन का लगभग लगभग हम 71 लोग गए थे पहले राउंड में, तो उसका जो एक्सपेंस होता है दोस्तों, मान के चलिए इंडियन रुपीज में जो तकरीबन 2000 रुपए होते हैं, तो वो उमेश कुमार सर ने एक दिन के लिए हमें ज्यादा वहां पर ठहरने का मौका दिया। अब जो लोग वहां पर एक्स्ट्रा डे, आपको फॉर्म में नीचे एक लिखना है और आपके एक्टिव अपलाइन का कॉन्टेक्ट करना, उसको ये फॉर्म मिल जाएगा, ब्लैंक मिलेगा आपको, वहां पर केवल इसको फिलअप करना है और एक्स्ट्रा डे उसमें आपको लिखना है यस। तो अब ये जो एक्स्ट्रा डे रहेगा इसके अंदर, मतलब कि ये जो अब टूर में हाई नाइट 6 डे का ये टूर होगा, लेकिन ये जो एक दिन हम बढ़ा रहे हैं उसका जो अलग से जो एक्सपेंस आएगा, जो खर्चा होगा, वो तकरीबन 2000 रुपए लगेंगे। तो जिन जिन लोगों को एक्स्ट्रा डे ठहरना है वो इस फॉर्म में लास्ट में एक्स्ट्रा डे यस और नो लिखना है। मान के चलिए कि आपको एक्स्ट्रा डे ठहरना है वहां पर थाईलैंड में, एक दिन ज्यादा रुकना है, तो आपको यहां पर लिखना है यस। साथ में देखिए यहां पर वीजा के जो हम अराइवल वीजा करेंगे तो उसके 2200 बाद लगते हैं, वो 14 दिन की वीजा हमारी होती है, तो केवल 2000 रुपए में हमें यहां पर रहने के लिए, खाने के लिए, ब्रेकफास्ट, घूमने का मौका, क्योंकि हम वहां पर इतना दूर जा रहे हैं, तो अगर हम एक दिन वहां पर ठहरेंगे तो बहुत जबरदस्त एंजॉयमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए जो लोग, कोई कंपलसरी नहीं है, जो लोग ज्यादा एक दिन ठहरना चाहते हैं वो अपने जेब से उसको 2000 रुपए तकरीबन देने होंगे। साथ में आपको, आप आना चाहते हो तो आपके नजदीकी जो सिटी है वहां पर एक्सचेंज से आपको 10,000 बात अपने जेब में साथ में रखने हैं, ताकि ये जो 10,000 बात है उसमें 2200 बात है वो वीजा के लगेंगे और बाकी के जो 7800 बात है वो आप अगर खर्च वहां पर नहीं करोगे तो वहां वो आपको वापस आप इंडिया में लेकर आओगे, तो एक्सचेंज से आप उसमें कन्वर्ट कर पाओगे रुपए के अंदर। तो जो जो लोग हैं, मैंने जो नंबर बताया, नाम बताया, जो लोग आना चाहते हैं वो आपके एक्टिव जो अपलाइन है उसका फटाफट कांटेक्ट करिए, उसको बताइए कि सर मेरे पास फोन, मेरा पास फोन रेडी है, तो आप उसको फोटो भेज दीजिए, ताकि दोस्तों आपको लग रहा होगा कि अभी 25 तारीख को होने वाला है, लेकिन आपको पता नहीं है कि सभी लोगों के पासपोर्ट है वो इकट्ठे करने पड़ते हैं। सभी लोगों के पासपोर्ट इकट्ठे करेंगे और फिर वहां पर टिकट के लिए जाएंगे। मान के चलिए आपने लास्ट में दिया, आपकी टिकट तो हो गई जाने की, लेकिन अगर आने की भूल गए तो फिर आप ब्लेम करोगे, अरे यार मेरे सिस्टम के मैंने अचीव किया था लेकिन मेरी टिकट रह गई। ऐसा ना हो, हड़बड़ाहट में आपका, हम जो वहां पर एंजॉयमेंट करने जा रहे हैं तो हड़बड़ाहट में कोई कार्य ना हो। इसीलिए पर जो मैंने नंबर बताए उसका भी कांटेक्ट करिए, उसको आप बताइए कि आप जाना चाहते हो तो आपका पासपोर्ट मुझे दे दीजिए, आप उसका पासपोर्ट और वो फॉर्म फिलअप करवा के पुराने सर को भेज दीजिए। तो इतना आपको बैंक ऑफ थाईलैंड टूर के लिए। अभिषेक आपके डाउनलाइन से है कोई, तो
तो उसको ये प्रोसेस बताना है। तो आशा करता हूं कि यहां पर आपको ये बैंक ऑफ थाईलैंड टूर जो हमारा सेकंड राउंड जाने वाला है उसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो लास्ट में हम इसका क्वेश्चन, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या करेंगे, तो इसका भी हल निकालें। ठीक है, तो जो लोग जिसके पासपोर्ट कंप्लीट है वो फटाफट करिए, अगर किसी के नहीं है तो भी तत्काल के अंदर 4 से 5 दिन में पासपोर्ट निकाला जा सकता। तत्काल में प्रोसेस करोगे तो 5 दिन के अंदर अंदर आपका पासपोर्ट आपको मिल जाए, जो लोग आना चाहते हैं वो। क्लियर, तो फटाफट से आप अपने एक्टिव अपलाइन का कांटेक्ट करिए और पासपोर्ट की कॉपी को आप अपने एक्टिव अपलाइन को भेज दीजिए। आशा करता हूं आपको ये बैंक ऑफ थाईलैंड के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा।